मुझे बचाने की कोशिश छोड़ दे बेटा रवि, मैं बीमार नहीं हूँ। साफ करके बगीचा रख जाना, वो मंदिर मैंने तुमसे कहा हटाने के लिए वहाँ पे, और ये चबूतरा। थैंक्स, मुझे नहीं, पिताजी को कहो जिन्होंने ये जगह खरीदी है। अरे बेटा मेरा रही उस पारसी का क्यों, जौने भरे दाम में मुझे बेच गया, वरना ऐसी जगह नसीब वालों को मिलती है। अरे देखिए ना, ये सारा सामान ऐसे ही रखते जा रहे हैं। क्या हुआ मामा, बाद में ठीक से कौन लगाएगा सामान? अरे परेशान क्यों हो रही हो माँ, बाद में हम अपने हिसाब से लगवा लेंगे ना। क्या लगवा लेंगे, मैंने ऋतु से कहा था तो ठीक से लगवा लेना, और वो कहीं दिख ही नहीं रही। भैया भाभी, मम्मी डैडी। साहब बिटिया को नीचे बुला लीजिए, वो जगह ठीक नहीं है। क्या? हाँ, दो मौतें देखी हैं मैंने वहीं छत से नीचे गिरने से, आप बिटिया को नीचे बुला लीजिए। रितु, रितु जल्दी नीचे आ। ये सब क्या है? जब यहाँ कुछ नहीं था तब यहाँ मछुआरों की बस्ती थी, बस्ती पर श्राप था, समंदर में मछली पकड़ने जाते तो कोई बचकर वापस नहीं आता था, फिर लोगों ने पूजा की ताकि इंसान जी सके। माली ने हमें बताया कि बहुत साल पहले आदिवासी मछुआरों की गलती से किसी औरत की मौत हो गई थी, उसकी भटकती आत्मा हर अमावस को लोगों की जान लेने लगी, इसीलिए लोगों ने उसकी आत्म शांति के लिए मूर्ति की स्थापना की थी और उसकी पूजा करते थे। पिताजी उस मूर्ति को हर हाल में वहां से हटाना चाहते थे, बहुत समझाने पर वो उस दिन तो मान गए, लेकिन वो रात भी अमावस की रात थी और हर अमावस की रात की तरह वहां पूजा हो रही थी। आज ये किस्सा हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। क्या कह रहा, सुनिए। जान की खैर चाहते हो तो चले जाओ यहाँ से और फिर कभी नजर नहीं आना। ऐसा मत करो साहब, ये देवी माँ की पूजा है, ये टूटी तो विनाश हो जाएगा। अरे जाते हो या बुलाओ पुलिस को। साहब ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए साहब। ठीक है, हम लोग ऐसे नहीं मरे। आओ, ऐसा मत कीजिए, ये ठीक नहीं होगा। खाना अपने पास रखो। साहेब आप रुक जाइए, साहेब ये ठीक नहीं होगा। पिताजी ने एक नाकी में मूर्ति को वहीं गाड़ दिया, वहां एक पत्थर रखवा दिया गया। गायत्री, गायत्री क्या हुआ? ये शोर सुन रही है? कैसा शोर? ढोल मंजीरे। ढोल मंजीरे? आज अमावस्या है,
ये लोग फिर आ गए। कौन लोग? कहीं कुछ नहीं है, कोई शोर नहीं सुनाई दे रहा। तुम्हें कोई शोर नहीं सुनाई दे रहा? सुबह पिताजी की लाश मिली उसी जगह जहां पर वो मूर्ति गाड़ी गई थी। ये कत्ल नहीं है साहब। क्या बकवास कर रहे हो तुम? ये सच है साहब, ये देवी माँ का श्राप है। रात की उतरी नहीं है क्या तुम्हारी? जाके अपना काम करो। मेरी बात मानो साहब। माँ जी मेरी बात मानो, मैं पिछले 20 साल से यहाँ हूँ साहब। मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। मेरी बात मानो, मूर्ति फिर से स्थापित कर दो। मेरी बात मानो साहब, ये कत्ल नहीं है माँ जी, ये देवी माँ। अपना ख्याल रखना बेटा। बाय। आराम से चलाइए, हाथ अंदर। बाय। तुम लोग सब पूना चले गए, मैं घर में अकेली थी। घंटी बजा रही हूँ तो सुन ही नहीं रही। वो सुनाई नहीं दिया ना? आप पूना गए थे ना? वापस आ गई। दरवाजा खोल। वो वहीं रह गए, मैं आ गई। लेकिन अभी बता रहे थे कि आप पहुंच गए होंगे। और ठीक है तो अभी माँ मर
अभी? हाँ। अभी तुमने दूसरा घर देखा? देख रहा हूँ, मिलना भी तो चाहिए। तुम मेरी बातों को सीरियसली नहीं ले रहे हो? क्या सीरियसली लूं? तुमने अपने दिमाग में एक फितूर सा बिठा लिया। ये जगह खराब है। क्या खराब है इस जगह में? क्योंकि तुमने वो नहीं देखा जो मैंने देखा। वो मेरे सामने खड़ी थी। ये उसका श्राप है। अभी किस तरह की बातें कर रहे हो? मम्मी का देहांत हुआ पूना के पास और तुमने यहाँ देख लिया उन्हें? कमाल की बात कर रहे हो। वो पागल ही होगा जो तुम्हारी इस तरह की बातों को मानेगा। और ऊपर से उस माली ने तुम्हारे दिमाग को खराब करके रखा हुआ। मैं श्राप आपको नहीं मानता हूँ। तुम नहीं मानते, मैं मानती हूँ। क्योंकि मुझे रवि की चिंता है, ऋतु की फिक्र है, तुम्हारी फिक्र है। प्लीज मेरे लिए ना सही, कम से कम रवि के लिए तो ये घर छोड़ दो, छोड़ दो ये घर। देख कैसे हो गए तेरे बाल। भाभी आप भी ना बिल्कुल मम्मी की तरह बातें करने लगे। मुझे नहीं अच्छा लगता ये तेल वेल लगाना। तुम्हें कौन कह रहा है तेल लगाने को? मैं लगा दिया करूंगी। अच्छा बाबा लगा दिया करना, लेकिन अभी जरा जल्दी करो प्लीज। मुझे नहीं बैठने जा रहा। जल्दी, इस लड़की को तो हमेशा जल्दी है। ऋतु, ये निशान कैसा है? कहाँ? यहाँ नीला हो गया है, पत्थर जैसा। तुझे पता नहीं? नहीं। अरे ये तो पत्थर जैसा है। बहुत बड़ा है क्या भाभी? वो वैसा ही पत्थर सा निशान था जैसी पत्थर सी वो औरत देखी थी मैंने। और देखते ही देखते ऋतु के शरीर पे पत्थर से निशान हो गए। और एक दिन वही एक रात अमावस की रात। आज अमावस है। ऋतु, ये तुम क्या बोल रहे हो? ऋतु आज अमावस है। क्या क्या, क्या बोल रही है तू? तो क्या हो गया ऋतु? माँ, 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 दादी, वो देखो माँ। आ जा ऋतु। कौन है? लेने आई है। माँ मुझे लेने आई है। माँ मैं आ रही हूँ, आ रही हूँ। तू कहाँ था? माँ मैं आ रही हूँ। मेरी मौत निश्चित है बेटा। मुझे मेरी फिक्र नहीं, तुम्हारे होने वाले बच्चे की चिंता। ईश्वर हमें जीने नहीं देगा बेटा। नहीं मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। कोई तो तरीका होगा श्राप से मुक्त होने का। उस मूर्ति की स्थापना वापस करनी हो। यही कहा था राघव काका ने। राघव काका? वो मालूम? वो कहा होंगे? आज भी उस बंदर की देखभाल करते हैं।
मैंने तो पहले ही कहा था, पर मेरी बात किसी ने नहीं मानी। देवी माँ का श्राप है ये। राघव काका, वो मूर्ति गढ़ी कहाँ है? बंगले के लॉन में, एक बड़े पत्थर के नीचे, बहुत नीचे। मुझे उसे बाहर निकालना है, कुछ मजदूर मिलेंगे? कोई नहीं जाएगा उस बंगले में, वो भी आज अमावस की रात। वहां तुम्हारे दादी दादा की आत्माएं रहती हैं, मैंने अपनी आंखों से देखा है। राघव काका, मुझे वो मूर्ति आज ही निकालनी है, वरना मेरी माँ। राघव काका प्लीज। मैं कोशिश करके देखता हूँ बेटा, पर फायदा कुछ नहीं होगा। रात बहुत हो चुकी है ना। वो बंगला किधर है? हुआ छोटे मालिक? राघव काका, वो सब यही है। आप अभी भी यहां रुकना चाहेंगे? हाँ, मुझे वो मूर्ति निकालनी है। क्या हुआ, हजूर नहीं आए ना? कोई भी आने को तैयार नहीं। कहते हैं आज यहां सिर्फ मौत आएगी। मेरी मानिए छोटे मालिक, चलिए यहां से। नहीं राघव काका, मुझे वो मूर्ति आज ही निकालनी है। आप बस मुझे वो जगह बता दीजिए। वहां पत्थर के नीचे। आप जाना चाहें तो जा सकते हैं काका। आपको गोद में खिलाया है छोटे मालिक, आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा। थैंक्स। ये है वो पत्थर, इसके नीचे दबी है वो। उसकी बात मत सुनो। राघव के रूप में बजाओ, ये मेरा घर है। बता नहीं तुझे, रात रात भर ये लोग शोर मचाते हैं, सोने नहीं देते। रवि रवि खोदो, रवि फिर से खोदो। काका महा
वो मर चुकी है रवि। क्या? वो मर चुकी है। तुम किस के लिए कर रहे हो? तो क्यों जीना? मैं नहीं जीना चाहता। काश ये शाप मेरी भी जान ले ले। अपने लिए नहीं, अपने होने वाले बच्चे के लिए। तुम्हारी मां यही चाहती थी ना?